हाय, तो कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी मिस्टेक्स जो आप फैट लॉस के ड्यूरिंग करते हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें फैट लॉस के ड्यूरिंग फेस करनी पड़ती है। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली मिस्टेक, पीपल डोंट क्रिएट अ इफेक्टिव वर्कआउट। मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं हफ्ते के 7 दिन भागता हूँ, रोज का 1 किलोमीटर भागता हूँ और रोज की मैं 200 कैलोरीज बर्न करता हूँ। तो मैंने हफ्ते में कितनी कैलोरीज बर्न की, 1400। हफ्ते में मैंने कितना वेट लॉस किया, 1 kg। मान लो मैं हफ्ते का 1 kg लॉस कर रहा हूँ और ये मैंने बनाया है 10 वीक्स के लिए। तो हिसाब से मेरा 10 वीक्स में कितना kg वेट लॉस होना चाहिए, 10। बट मैंने वेट लॉस एंड अप में कितना किया, 10th week में मैंने वेट लॉस जब मैंने अपना देखा तो मैंने कितना किया, 4 to 5 kg। Why? अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है, जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा। अपनी बॉडी हर चीज़ को अडेप्ट कर लेती है, ठीक है। फर्स्ट वीक में जब आप जाओगे, जब आप रनिंग करोगे, आपको स्वेट भी ज़्यादा होगी, आपकी सांस भी फूलेगी, सब कुछ होगा। बट जितना अगर आप 200 कैलोरीज फर्स्ट वीक में बर्न कर रहे हो, तो सेकेंड वीक में आप 1600 कैलोरी फर्स्ट वीक में बर्न कर रहे हो, 1400 जितनी भी, ठीक है। सेकेंड वीक में आप 1300 बर्न करोगे, थर्ड वीक में आप 1200 पे आ जाओगे और 10th week तक आप ऐसे हो जाओगे कि आप कम कैलोरीज बर्न करोगे और आप तेज स्पीड से भाग सकोगे और उस डिस्टेंस को आप कम टाइम में भी कंप्लीट कर पाओगे। तो अपनी बॉडी हर चीज़ को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है। तो हर सेकेंड टू थर्ड वीक में आपको अपना वर्कआउट चेंज करना है। सेकेंड पॉइंट, डाइट। मेन चीज होती है डाइट। एक बंदा है, उसने अपनी डाइट बनाई 4 weeks के लिए, वो फैट लॉस पे है, उसने एक डाइट बनाई, उसने सोचा ये डाइट मैं 10 weeks तक रखूंगा, 10 week का मेरा फैट लॉस है भाई, मैं ये डाइट 10 week तक रखूंगा। बट फर्स्ट वीक में जो उसकी डाइट जो काम करेगी वो 3rd to 4th week में बिल्कुल नहीं करेगी। सेम वर्कआउट वाला कंसेप्ट है, आप उस डाइट को लेते रहोगे, अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो उस चीज़ को अडेप्ट कर लेगी। डाइट के साथ भी सेम पंडा है, वो उस चीज़ को अडेप्ट कर लेगी और आप जितना आपको फर्स्ट वीक में रिजल्ट मिल रहा है, जितना आपको सेकेंड वीक में रिजल्ट मिल रहा है, उतना आपको 10th week में रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है ईटिंग टू क्लीन। मान लो मैं किसी से पूछूं, कोई फैट लॉस कर रहा है भाई, तो वो बोलता है मेरे को, भाई मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मैं फैट लॉस भी कर रहा हूँ बट मेरे को बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मैं फिर उससे पूछता हूँ कि भाई तू क्या क्या खाता है, भाई मैं बहुत क्लीन खा रहा हूँ, मैंने 20 दिन से 30 दिन से कोई चीट मील नहीं ली, ठीक है, और जब भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो गलत है, आपको हफ्ते में एक बार चीट मील लेनी ज़रूरी है। जैसे हम बॉडी को शॉक करते हैं वर्कआउट से, दूसरी डाइट दे के, वैसे ही अगर हम बहुत ज़्यादा क्लीन खाएंगे तो अपनी बॉडी अडेप्ट कर लेगी उस चीज़ को, ठीक है। और जैसे ही हम अगर थोड़ा सा भी चीट मील देंगे तो अपनी बॉडी उस चीज़ से शॉक होएगी कि अब तक तो ये बहुत क्लीन खा रहा था 6 दिन से और एकदम से इसने मेरे अंदर ये चीज़ डाली है। तो इस चीज़ से बॉडी शॉक होती है और आपको इस चीज़ से रिजल्ट फास्ट मिलेंगे, आपका इस चीज़ से मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लीन खाते रहेंगे तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को डाउन गिराते रहेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं खाना, आपको हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर पकड़ना है कि आप चीट मील लें। सुबह से शाम तक आपने डाइट की, रात को आपने चीट मील ली और सो गए, देन नेक्स्ट डे ये नहीं सोचना, रिग्रेशन नहीं करना, अरे यार मैंने कल चीट मील ले ली, रिग्रेशन नहीं, अगले दिन दोबारा अपनी डाइट। तो आपको हफ्ते में एक दिन ज़रूर ऐसा पकड़ना है जिस दिन आप चीट मील लें। चीट मील में ये नहीं है कि आप अपनी कैलोरीज पी रहे हैं, आपको कोला पेप्सी वगैरह इन चीज़ पे नहीं जाना है, कुछ ऐसी चीज़ लेनी है जिनकी कार्ब आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत तो लगे, वो वेस्ट कैलोरी है। अगर आप कैलोरीज पी रहे हो तो वो वेस्ट कैलोरी है, वो कुछ नहीं करेगी आपकी बॉडी में। बट अगर आप उस जगह पिज़्ज़ा खा रहे हो या बर्गर खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी को शॉक भी करेगा और थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में लगेगा भी। मान लो आपकी रात के डिनर में 20 ग्राम प्रोटीन आपको ले रहे हैं तो आप 20 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लें, उसके अलावा फैट्स,
कार्ब्स ये आप चीट मील से ले सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स हमें क्या क्या फेस होती है। सबसे पहली बात मोटिवेशन। हम कई कई बार बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, हमारा वर्कआउट करने का मन बिल्कुल नहीं होता। आपने देखा होगा आप जब फैट लॉस पे होते हो आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि हफ्ते में एक बार तो आपको मन करता है कि यार छोड़, जिम नहीं जाते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं। मान लो आज आपका लेग्स डे है, ठीक है, उस दिन आप लेग्स मत लगाओ, उस दिन आप जाओ कार्डियो करके आओ और बाइसेप ट्राइसेप लगाया, कोई भी दूसरा पार्ट, कोई भी दूसरे पार्ट की एक्सरसाइज कराओ, लेग्स मत लगाओ, उससे आपकी बॉडी शॉक होगी, उस चीज़ से आपकी बॉडी शॉक होगी। तो ये चीज़ आपको ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि फैट लॉस के टाइम में कई कई बार होता है अपनी मोटिवेशन लेवल बिल्कुल डाउन चली जाती है, बट हमें करना पड़ेगा, ये चीज़ हमें ही देखनी है। कई कई बार आप इतने मोटिवेटेड हो गए, कई कई बार इतने मोटिवेटेड हो गए आप कुछ भी कर दोगे। मान लो आप अगर 5 किलोमीटर भाग रहे हो तो आप इतने मोटिवेटेड हो गए आप 6 से 7 किलोमीटर भी भाग जाओगे, बट कई कई बार इतना फील होता है, इतना लो फील होता है हमें कि हम 1 किलोमीटर की भी रनिंग नहीं कर पाते। तो जिस दिन आप मोटिवेटेड ना हो उस दिन आपको यही सोचना है कि यार डिसिप्लिन में रहना है, करना पड़ेगा। जिस दिन आप मोटिवेट ना हो उस दिन आप डिसिप्लिन से करो उस चीज़ को, डिसिप्लिन आपको हर चीज़ में रखना पड़ेगा। सेकंड प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है अपने फैट लॉस के टाइम में वो है क्रेविंग्स। क्रेविंग्स की मैं बताता हूँ, आप जब भी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाओ तो जंक खरीद के मत लाओ, क्योंकि अगर वो चीज़ आपके घर में होगी तो आपको पता होगा कि यार वो वहाँ रखी है, आपका बार बार खाने का मन करेगा और एक ना एक दिन आप खा ही लोगे उसको, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा आप खा लोगे। तो आपको अपने घर में ज़्यादा जंक नहीं रखना है। हाँ गए आप, ठीक है, आपने मान लो चीट मील लेनी होती है, आपने मान लो ओरियो बिस्किट है, आपने एक ओरियो बिस्किट खरीदा रख लिया, ठीक है, उस जगह आप 3 से 4 बिस्किट के पैकेट ले आओगे, 3 से 4 भुजिया वगैरह जो भी आपका जो स्नैक्स है उसके पैकेट ले आओगे, तो आपको पता होगा वो वहाँ रखी है और आप रोज़ खाओगे उसको, आपका बार बार खाने का मन करेगा। तो जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाओ बहुत ज़्यादा जंक मत खरीदो। सेकंड, हम क्रेविंग्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उस टाइम जब भी आपको क्रेविंग्स हो आप बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हैं, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आप 1 लीटर पानी पियो उस टाइम आपका पेट उस पानी से भर जाएगा और आपकी क्रेविंग्स वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, आप अपनी क्रेविंग्स को कैसे मान लेंगे, थर्ड पॉइंट है ब्रश योर टीथ। आप जब अपने टीथ को ब्रश करोगे ना आपके मुंह का टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा, जिससे कि आपको क्रेविंग्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। और फोर्थ पॉइंट है उस चीज़ से अपना दिमाग हटा लो। जब भी आपको क्रेविंग्स हो, जब भी आपको बाहर का खाने का मन करे, आप गेम्स खेलने लग सकते हो, आप मूवी देखने लग जाओ, आप कुछ और ऐसा काम करो जिससे कि आपका ध्यान उस चीज़ से हट जाए। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जैसे भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू।